गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग जीमेल एप्लीकेशन का यूज़ करके किसी भी पर्सन को ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने कभी भी किसी को कोई ईमेल सेंड नहीं किया है या आप लोग नहीं जानते कि ईमेल कैसे सेंड करना है, तो भी आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाओगे वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके जीमेल एप्लीकेशन से ईमेल कैसे सेंड कर सकते हो। तो इसको सेंड करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है और आप लोगों को यहाँ पे जीमेल सर्च कर लेना है। जीमेल जैसे ही आप लोग यहाँ पे सर्च कर लोगे तो आप लोगों को फर्स्ट एप्लीकेशन मिल जाती है। आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये डाउनलोड नहीं है। और अगर आप लोगों के फ़ोन में डाउनलोड है, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। आप लोग अपडेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि अगर आप लोगों को जो भी वीडियो में प्रोसेस दिखाया जाएगा वो सेम एप्लीकेशन का वर्जन रहेगा, तो आप लोगों को सभी ऑप्शन वीडियो में जो दिखाया गया है उसी के जैसा ही उसी पोजीशन पर ही मिलेगा। सो इसीलिए आप लोग अपने जीमेल एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को अपडेट कर लेने के बाद आप लोगों को अपने जीमेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग कैसे ईमेल सेंड कर पाओगे। तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अपना गूगल का अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आप लोगों का गूगल का अकाउंट नहीं है, जिसको आप लोग जीमेल अकाउंट भी बोलते हैं, तो सिंपल आप लोग यहाँ पे अपना नया जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप लोग अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लेते हो, इसके बाद आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को ईमेल सेंड करने के लिए बॉटम पे पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है और कंपोज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ईमेल राइटिंग का पेज ओपन हो चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म में आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। अगर आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में एक ईमेल आईडी से ज़्यादा ईमेल हैं, जिसका कह सकते हैं आप लोग की मल्टीपल ईमेल हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो कि किस ईमेल आईडी से आप लोग ईमेल सेंड करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल इसे ईमेल आईडी से सेंड करना चाहते हैं, तो हम उसी के रहने दिए हैं। अब आप लोगों को टू में उस ईमेल एड्रेस को डालना है जिस पे आप लोग ईमेल सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम सिंपल एक ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हम इसी ईमेल पे ईमेल सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट में आप लोग जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंसर्न है आप लोगों का, जिस भी संबंधित आप लोग ईमेल करना चाहते हो, वो आप लोग यहाँ पे स्मॉल में कोई भी चीज़ हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट में वो पूरी चीज़ बता सकते हो। जैसा कि हमें पेमेंट से रिलेटेड ईमेल करना है, तो हम यहाँ पे पेमेंट लिख दिए हैं। तो इसके बाद आप लोगों को कंपोज ईमेल मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है वो इन डिटेल्स आप लोग यहाँ पे पूरा बाकायदा लिख सकते हो। इसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे सिंपल कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे हेलो लिख दिए हैं, तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो जिस भी कंसर्न से रिगार्डिंग आप लोग ईमेल सेंड कर रहे हो। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अगर आपको कोई फाइल अटैच करना है, कोई इमेज अटैच करना है, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे अटैच करने का। इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को अटैच फाइल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों का फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। अब आप लोगों को यहाँ पे इमेज आप लोग कोई भी अटैच करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपनी फाइल मैनेजर में ओपन कर सकते हो। जो कि अदर फाइल मैनेजर आपकी है वहाँ पर आप लोग जा सकते हो। और आप लोग चाहें तो यहाँ पर आप लोग फ़ोटोज़ गैलरी में सभी आप लोग वीडियो में भी जा सकते हो। तो जो भी आप लोग जहाँ भी डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं आप लोग उसको सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे फिलहाल एक इमेज अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये ईमेल में इमेज अटैच हो चुका है। अब जब ये ईमेल सेंड करेंगे तो इमेज भी उसी के साथ में चले जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ नहीं चाहते हैं कि इमेज जाए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्रॉस का आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी आप लोग कोई गलत फाइल अपलोड कर लेते हो तो आप लोग यहाँ से उसको कैंसिल कर सकते हो। तो सिंपल आप लोगों को जो भी करना है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आप लोगों को ईमेल सेंड करने के लिए आप लोगों को अटैच का ऑप्शन के राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का ईमेल सेंड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, बॉटम साइड सेंड लिखा हुआ है।
अब आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोगों का ईमेल सेंड हो पाया है या इसको नहीं। चेक करने के लिए आप लोगों को टॉप लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिख रही है, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर लेने के बाद आप लोगों को सेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने 9:19 पे अभी आप लोगों को ईमेल जो सेंड किए हैं वो सेंड हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप लोग यहाँ पे टाइम देख पा रहे होंगे कि 9:19 पे यहाँ पे जो हमने ईमेल राइटिंग कर रहे थे वो ईमेल सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। सो गाइस, ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन को ईमेल सेंड कर सकते हो जीमेल एप्लीकेशन का यूज़ करके। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।